सो अब हमारे पास अगली डेफिनेशन है मिनिमल जनरेटिंग सेट। मान लो वी एफ के ऊपर कोई वेक्टर स्पेस है, एस सबसेट है वी का, तो हम कब कहेंगे कि एस इज ए मिनिमल जनरेटिंग सेट। इफ नंबर वन, एस इज अ जनरेटिंग सेट फॉर वी, मीन्स एस स्पेंस वी। एंड नंबर टू, एस का कोई भी प्रॉपर सबसेट वी को स्पेन नहीं कर सकता। वी कैन नॉट बी जनरेटेड बाय एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। एस का कोई भी प्रॉपर सबसेट वी को स्पेन नहीं कर सकता। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो तो हम कहेंगे एस इज ए मिनिमल जनरेटिंग सेट। मिनिमल का ये मतलब नहीं है कि जितने भी सेट वी को जनरेट कर रहे हैं एस उन सब में से सबसे छोटा है। मिनिमल का ये मतलब नहीं है। मिनिमल का ये मतलब है कि एस से छोटा कोई भी सेट, मतलब कि एस का कोई भी प्रॉपर सबसेट वी को जनरेट नहीं करेगा। तो ये डेफिनेशन है मिनिमल जनरेटिंग सेट की। अब अगली थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि कोई भी सेट जो मिनिमल जनरेटिंग सेट है किसी वेक्टर स्पेस वी का, जिसमें वी क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, तो पक्का वो मिनिमल जनरेटिंग सेट क्या बनेगा, बेसिस ऑफ वी। अब वो जनरेटिंग सेट तो है ही है, स्पैन तो करता ही करता है, तो बेसिस दिखाने के लिए सिर्फ क्या दिखाना रह जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना रह जाएगा। सो हमने कहा लेट एस इज इक्वल टू वी वन वी टू वी एन, ये क्या लिया, मिनिमल जनरेटिंग सेट। देन एस इज अ जनरेटिंग सेट फॉर वी, मीन्स वी इज इक्वल टू एल एस। और मिनिमल जनरेटिंग की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एस जनरेट्स वी। एस का कोई भी प्रॉपर सबसेट वी को जनरेट नहीं करेगा। नाउ बेसिस दिखाने के लिए हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम इसका उल्टा मान लेते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे। तो हमने मान लिया सपोज एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है तो मैंने एक थ्योरम करवाई थी कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उस सेट का एक वेक्टर से वी आर बचे हुए वेक्टर्स का क्या बन जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। सो वी आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन से लेके वी आर माइनस वन और वी आर प्लस वन से लेके वी एन तक। सो वी आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स। इसके बाद फिर मैंने एक थ्योरम कराई थी कि अगर कोई सेट स्पैन करता है वी को और उस सेट का एक वेक्टर बचे हुए वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो एस में से वो वी आर हटाने के बाद जो ये वेक्टर्स बचेंगे, ये वाले वी वन से वी आर माइनस वन, वी आर प्लस वन से वी एन, ये भी स्पैन करेंगे एस को। और उसका ये सारा प्रूफ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं इसलिए मैं दोबारा से नहीं बता रही, लेकिन आपको पेपर में ये लिखना है सारा। सो दिस शोज दैट ऑन रिमूविंग एन एलिमेंट वी आर फ्रॉम एस, एस में से हम एक एलिमेंट हटा दें, द रिमेनिंग सेट वी वन से लेके वी आर माइनस वन, वी आर प्लस वन से वी एन तक, ये भी स्पैन करेगा वी को। नाउ अब आप देख सकते हो कि दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, क्योंकि एस में तो एन एलिमेंट थे जबकि इसमें कितने रह गए, एन माइनस वन। दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस हमारे हिसाब से, तो एस का कोई भी प्रॉपर सबसेट वी को स्पैन नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब एस का एक प्रॉपर सबसेट वी को स्पैन कर रहा है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने एस को क्या मान लिया था, लीनियरली डिपेंडेंट मान लिया था, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दिस मीन्स एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन तो पहले ही करता था, इंडिपेंडेंट भी बन गया। सो एस इज अ बेसिस ऑफ वी। इसके बाद अगली डेफिनेशन है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन का क्या मतलब है, डायमेंशन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, कि वेक्टर स्पेस की बेसिस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय डायमेंशन वी, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। और ये थ्योरम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बेसिस के एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस में हमेशा सेम रहते हैं। इसके बाद क्या है, अगर किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं तो उस वेक्टर स्पेस को क्या कहा जाता है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और अगर किसी की बेसिस में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है तो उसको क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमने एक थ्योरम की थी कि अगर एन वेक्टर स्पैन करते हैं वी को तो एन से ज्यादा वेक्टर्स हमेशा डिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब ये मैंने यहां बताया था कि अगर वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो तो वो काउंटिंग में एन या एन से कम होंगे, एन से ज्यादा वेक्टर्स तो हमेशा डिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब अगर कोई सेट बेसिस बनता है तो क्या उसमें एन से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, नहीं,
चूंकि अगर कोई सेट बेसिस है और उसमें एन से ज्यादा एलिमेंट हुए, एन से ज्यादा एलिमेंट वाला तो डिपेंडेंट बनेगा, लेकिन बेसिस के हिसाब से वो इनडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब बेसिस में एन से ज्यादा एलिमेंट कभी भी नहीं होंगे अगर एन एलिमेंट वाला सेट स्पैन करता है वी को। ठीक है, ध्यान रखना ये रिजल्ट कि अगर वी को एन वेक्टर स्पैन करते हैं तो वी की बेसिस में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, एन। एन से ज्यादा एलिमेंट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एन से ज्यादा वेक्टर्स तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, जबकि बेसिस में होने के लिए उनको लीनियरली इनडिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो अगर कोई एन वेक्टर स्पैन करते हैं वी को, देन डायमेंशन ऑफ वी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि डायमेंशन ऑफ वी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ वी, जो कि लेस देन इक्वल टू एन आएगा। तो ये यही रिमार्क लिख रखा है कि बेसिस के अंदर जनरेटिंग सेट में जितने एलिमेंट्स हैं तो वी की जो डायमेंशन है वो हमेशा उससे लेस देन इक्वल टू होगी, किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द जनरेटिंग सेट। इसके बाद अगला रिजल्ट है, अगर वी की डायमेंशन एन है, इसका मतलब वी की बेसिस में एन एलिमेंट आ रहे हैं, देन कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जिसमें एन एलिमेंट्स, देन एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन हैव एट द मोस्ट एन एलिमेंट्स। रिपीट कर रही हूँ, वी की डायमेंशन एन है, इसका मतलब वी की बेसिस में एन एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब एन वेक्टर्स वाला सेट स्पैन करता है वी को, क्योंकि वी की डायमेंशन एन है, वी की बेसिस में एन एलिमेंट होंगे और बेसिस है तो वो स्पैन करते हैं, इसका मतलब एन वेक्टर स्पैन करते हैं वी को। और फिर वही थ्योरम जो अभी मैंने ऊपर बताई कि अगर एन वेक्टर स्पैन करते हैं वी को तो एन से ज्यादा वेक्टर्स हमेशा डिपेंडेंट होंगे, तो अगर किसी सेट को लीनियरली इनडिपेंडेंट होना है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स आएंगे, एन एलिमेंट्स आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, हमने ये पढ़ा था कि दिस फाई इज एल आई एंड फाई स्पैन्स सिंगलटन जीरो, ये हमने शुरू में पढ़ लिया था। तो क्योंकि फाई बेसिस बनने वाली दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, सो फाई इज अ बेसिस ऑफ सिंगलटन जीरो, तो उस हिसाब से सिंगलटन जीरो की डायमेंशन कितनी आई, सिंगलटन जीरो की डायमेंशन। अब डायमेंशन का क्या मतलब था कि बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, सिंगलटन जीरो की बेसिस कौन है, फाई, फाई में कितने एलिमेंट्स हैं, जीरो, सो सिंगलटन जीरो की डायमेंशन कितनी आ गई, जीरो। आर की, आर के ऊपर अगर मैं कंसिडर करूं, आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, तो R की R के ऊपर डायमेंशन आएगी एक, R स्क्वायर की R के ऊपर डायमेंशन आएगी दो, R क्यूब की R के ऊपर डायमेंशन आएगी तीन, R n की R के ऊपर डायमेंशन आएगी n। इसके बाद है हमारे पास एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन का मतलब किसी चीज को एक्सटेंड करना। तो अब हमारी थ्योरम क्या है, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस V, Vf के ऊपर क्या है, एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, और कोई भी सेट है मान लो जो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो उसको हम एक्सटेंड करके वी की एक बेसिस बना सकते हैं, मीन्स हम इसका एक सुपर सेट ढूंढ सकते हैं जो कि वी की बेसिस बन जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में भी यही बता रखा है, बस यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखे थे, यहाँ पर लिख दिया कि मान लो वी वन वी टू वी आर क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो हमें इसका एक सुपर सेट ढूंढना है जो कि वी की बेसिस बनेगा। तो हमने लिखा प्रूफ में, एल आई तो ये दे ही रखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो दे ही रखा है, तो हमने लिखा अगर ये स्पैन कर जाए वी को, हमें नहीं पता करता है कि नहीं, इसलिए हमने इफ लिखा है, हमें सिर्फ किसका पता है कि दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी, अगर ये वी को स्पैन कर जाए तो ये खुद ही बेसिस बन जाएगा, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में दे रखा है, स्पैन हमने लिख दिया तो ये बेसिस बन गया, एंड दिस इज अ सुपर सेट ऑफ दिस, सो हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें इसका एक सुपर सेट ढूंढना है जो कि बेसिस बन जाए। और अगर मान लो ये खुद से स्पैन नहीं करता तो हम क्या करेंगे, इसको कंटेन करने वाला हमने एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ले लिया वी का, जिसमें वी वन से वी आर तक तो एलिमेंट आएंगे ही आएंगे और कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, सो मान लो एस क्या है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी। और पीछे हमने एक थ्योरम की थी कि कोई भी सेट जो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी है वो पक्का क्या बन जाता है, बेसिस ऑफ वी। तो वहां से क्या आ जाएगा, एस इज बेसिस ऑफ वी, ये सारा उसी थ्योरम का प्रूफ दोबारा से रिपीट कर रखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर पा रही। सो एस इज बेसिस ऑफ वी, ऑल्सो एस इसका तो सुपर सेट है ही है, इसके बारे तो सारे एलिमेंट इसमें आ रहे थे, इसमें एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, इट मीन्स हमने इसका
एक सुपरसेट ढूंढ दिया एस, दैट इज अ बेसिस ऑफ वी।